लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला व दो युवकों द्वारा फरियादी पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर आड़बाजी करने के बाद चेक छीने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद गोविंदपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक विगत दिनों 30 सितम्बर की बताई जा रही है, फरियादी युवक ने घटना के बाद थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरियादी युवक मूलतः इंदौर का रहने वाला है और वह गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में रहकर समाज सेवा का कार्य कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। दरअसल गोविंदपुरा पुलिस ने 156-3 के परिवार पर एक मामला दर्ज किया है, जिसमें 384-386-34 एवं 506 IPC के तहत हमने जो है प्रकरण दर्ज किया है। इसमें अभी ये आवेदक का ये कहना है कि अभियुक्त, जिनका नाम है निखिल अग्रवाल एवं जगदीश प्रसाद पालीवाल, इन लोगों ने उनसे अड़ीबाजी की और अड़ीबाजी करके उनसे पैसे की मांग की है। सब फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकियां दी गई हैं। दरअसल FIR में यह कंटेंट है कि अनावेदक ने आवेदक को कहा है कि उनके जो भी आपत्तिजनक कुछ फोटो हैं उनको वायरल कर दिया जाएगा और इस तहत से जो है इस तरीके से उनके ऊपर जो एक्सटॉर्शन का दबाव डाला। मामले में महिलाओं को भी शामिल होने की सूचना है, महिलाएं भी इसमें आरोपी हैं। बिल्कुल, अभियुक्त के साथ एक अन्य महिला का भी नाम आया है और उस पर जो है हम जांच कर रहे हैं। और सर, उसमें ये भी था कि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद मामला दर्ज किया गया, क्या फरियादी पहले थाने में नहीं पहुंचे? FIR के अनुसार जो है सबसे पहले फरियादी जो है पहले थाने पे आई थी, फिर SP लेकर के गए थे, अभी जो इसकी जांच चल रही है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सर्व प्रदेश।